अध्यात्म में आदमी का जड़ अंदर कितना गया और बाहर कितना है। दूसरा पॉइंट है कि तुम्हारे स्पिरिचुअल लेवल पे जड़ जितना अंदर है, संसार में उसका डाल पत्ती उतना फैला हुआ रहेगा। अध्यात्म में तुम गरीब हो, भिकमंगे हो, स्पिरिचुअल पावर नहीं है, धार्मिक शक्ति नहीं है, अध्यात्म नित्याभिनिवृत्त कामा नहीं हो। यानी यही है कि जो विश्व पटल का धरती है, इसके नीचे जो जड़ है अंडरग्राउंड, तुम उतना अंदर तक नहीं गए हो, तुम ऊपरी ऊपरी में पड़े हो। तुम्हारा जड़ अंदर तक खोदते हुए डीप बोरिंग करके नहीं गया है। और जिसका जड़ ऊपर ऊपर रहता है ना, हल्का हल्का ऊपरी ऊपरी मिट्टी में, और कोई बड़ा सा हवा का बवंडर या झोंका आए और मारा शनि का 7.5 और पलटी खाया, उधर धड़ाम पेड़ गिर गया। लेकिन जिस पेड़ का जड़ अंदर तक गया है, जड़ माने क्या, और दस्य मूलम अदस्य शाखा अश्वत्थ राहु, श्रीमद् भागवत गीता 15 अध्याय कहा हुआ है इसका, ये पेड़ कौन सा है, बोला ऊर्ध्वस्य मूलम, जड़ कहाँ है इसका, ऊपर के तरफ, अधस्य शाखा नीचे के तरफ शाखा है, उलट वृक्ष इसको कहा गया, पलटा हुआ वृक्ष। हम धरती में हैं, हमें जो दिखता है वो नहीं है, जो नहीं दिखता है वही है, लेकिन जो दिख नहीं सकता है, जो दिखाई नहीं देता है लेकिन फिर भी है, अर्धस्य मूलम अदस्य शाखा। कंसेप्ट क्लियर? तो ऐसे ही आपको समझने के लिए कह रहे हैं कि भाई आप जो इंसान रूपक पेड़ हो, आपका जड़ अगर जमीन के डिप रूटेड में नहीं गया, कौन सा जमीन, ये मिट्टी का नहीं, तुम्हारे जीवन का मिट्टी अंदर अगर डीप रूटेड एकदम ग्राफ्स करके अंदर जाके सारे जड़ पकड़े हैं मिट्टी को, एकदम धरातल पे ग्राउंडेड है, 7.5 आ जाए, चाहे राहु महादशा आ जाए, चाहे शनि महादशा आ जाए, चाहे और भी कितना बड़ा बड़ा ग्रहों का दशा, यूरेंस नेपच्यून प्लूटो का भी आ जाए, भूतनी दशा आ जाए, चाहे योगिनी दशा आ जाए, संकटा आ जाए, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। आएंगे बवंडर, चले जाएंगे, पेड़ यूं का यूं खड़ा है अपने शाखाओं को खोल के। लेकिन जिसका अध्यात्म में अंदर में जड़ मजबूत नहीं है, वो समझना कि एक झोंका में गिर के नीचे धड़ाम। देखना जब वो आते हैं ना साइक्लोन, बवंडर, रास्ता के साइड में पेड़ गिर जाते हैं, कुछ मजबूत पेड़ टहनियाँ एक दो गिरा के छोड़ दे, अलग बात, एक दो टहनी गिर गया कोई बात नहीं, फिर उगाएंगे। लेकिन पेड़ों का पेड़ उलट के पलट के रख दे, तो समझना कि इसका, इस आदमी का जड़ मजबूत नहीं था, ऊपरी ऊपरी मिट्टी का खाद खा के ऊपर उठ गया था बहुत जोर। समझ में आ रहा है? इसलिए मैं कोई जादू टोना मंत्र तंत्र वाला नहीं हूँ, जादू का छड़ी घुमाया तंत्र कर दूंगा, नहीं, आई एम नॉट दैट। मैं कहूँगा काला वाला पर्स ले आओ, उसमें समोसा भर दो, हरी मिर्च डाल के समोसा खा लो, नहीं, मैं उनमें से नहीं हूँ। आई एम कम्प्लीटली साइंस पर्सन, कुछ गणित है, कुछ मैथमेटिक है, कुछ आंकड़ा है, 4-4 लैपटॉप चलाता हूँ, 12-12 मोबाइल चलाता हूँ, मेरे पास डाटा ज़्यादा है, प्रेडिक्शन कर लेता हूँ थोड़ी। यहाँ बाबा है लाल पत्ता लगा लो, पर्ची निकाल लो, वो सब नहीं है मेरे पास, पूरे साइंटिफिक डाटा के साथ बात करता हूँ, ठड़ाम 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 मकर रहा से प्रयूँ, हाँ भाई। तो मेरे पास इतना स्ट्रांग डाटा है, इतना स्ट्रांग रिसर्च है कि मैं जो प्रेडिक्शन दे सकता हूँ कोई और नहीं दे सकता, क्योंकि मेरा धरातल ही विज्ञान है, मेरा धरातल कहीं भी कोई भूत प्रेत पिशाच डायन चिरगन काला जादू वो सब नहीं है। मेरे पास आता भी तो भेज देता हूँ काला जादू वालों के पास, जाओ उधर करो काला जादू, मेरे पास विज्ञान है, विज्ञान का धरातल है, विज्ञान का फाउंडेशन है, साइंस का फाउंडेशन है, मैं लैपटॉप धारी हूं बाबा, तो मैं आंकड़ा के ऊपर बात करूंगा। हां पंडित हूं, पुश्तैनी, दादा परदादा
ये ज्योतिषी करते थे, ये मोटे मोटे ताल का पोथी, ताम्र का पोथी, ये बड़े बड़े किताब, आज का इंग्लिश, मैं जब एस्ट्रोलॉजी का इंग्लिश किताब ला के पढ़ता था बड़ा बड़ा, मेरे दादाजी हंसते थे, बोले पगला गया, हमारे पास कोई कम है का जो इंग्लिश का लेके आ रहे हो? बोला नहीं दादू, इसमें ऐसा है कि मुझे अगर आप मेरे दादा परदादाओं के बाद को अगर साइंटिफिकली डिफाइन करना है तो इन लैंग्वेज को सीखना पड़ेगा, क्योंकि फॉरेनर्स नहीं मानेंगे। अगर यहाँ पर मैं आपके लैंग्वेज में बात करने लगा तो मैं आज के सिस्टम के साथ तालमेल देके नहीं चल सकता। फिर कोई आएगा मेरे को हड़काएगा, बोला है कंडली उंडली बेकार, ज्योतिष व्योतिष खराब, ज्योतिष व्योतिष वो आकाश में हैं, यहाँ कैसे अफेक्ट करते हैं, क्या उत्तर? साइंटिफिकली डिफाइन क्या करोगे आप? क्योंकि आज के डेट में हमारे जो बच्चे हैं लैपटॉपधारी हैं, टेबलेटधारी, ये देखो टेबलेटधारी आ गया, कहाँ से आया बाबू? प्रयागराज से आ गया लैपटॉप टेबलेटधारी, इसको समझा है पंडित, कोई बात नहीं, लुंगीधारी चोटीधारी टीकाधारी है, लेकिन उस लैंग्वेज में समझेगा ही नहीं, उसका अपलोड हो गया है, उसका लैंग्वेज अलग, गूगल इंडिक की अपलोड है, इसको गुप्रो में बोलोगे नहीं समझेगा ये उसको उसी लैंग्वेज में बात करना पड़ेगा, समझ रहे? पुराना सेलरन कंप्यूटर नहीं बाबू, अभी 12 में चल रहा हमारा, अभी लैपटॉप 12 वाला जनरेशन का है, तो 12 जनरेशन में बात करो, डाटा चाहिए आपके पास। अब सोचो, शायद इंडिया में मैं ही एक व्यक्ति रहूँगा जिसके पास टेक्निकल डाटा है कि इस मकर का 7.5 में कौन सा मकर वालों को ज़्यादा ठुकाई पड़ा, किस मकर राशि वालों को। मकर राशि को डिफाइन करोगे तो 3 मकर राशि, और डिफाइन करोगे तो 12 मकर राशि, और डिफाइन करोगे तो 36 मकर राशि, और डिफाइन करोगे तो करीब करीब 108 प्रकार की मकर राशि। माइक्रोनिस डिवाइड करोगे इंटू 30 कर दो तो इतने सारे वेरिएशन सब मकर राशि हैं, तो किनको ठोकाई पड़ा और किस बिल्ड पे ठोकाई पड़ा, किसको फर्स्ट फेज में ठोकाई पड़ा, किसको सेकंड फेज में ठोकाई पड़ा, अब थर्ड फेज में किनको पड़ रहा है, अभी थर्ड फेज में किन मकरू वालों को अच्छा से ककरू निकाला जा रहा है। कल 2-3 मकरू राशि वालों का हालत खराब था, रो रो के सर पटक रहे थे, उनको अब तक पता नहीं था कि 7.5 हुआ है, 7.5 का 5 साल पार हो गया, 6ठा साल रनिंग कर रहा है, इंड होने आया, 6ठा साल अभी इंड होने आ रहा है, अब उनको पता चलता है कि 7.5 बोल के कोई है। अच्छा वो भी बोलता है कि देखो हम शनि, वो कौन सा मंदिर है वहाँ आपका उधर बड़ा वाला, सिमनापुरम, बोले सिमनापुर जा रहे थे और आपका इतना दर्द दुख था कि शनि बाबा के पास माफ़ी मांगने जा रहे थे, तो शनि बाबा से दर्शन करके आए तो देखा कि सामने आचार्य संजय है, टेस्ट थेरेपी, तो शनि बाबा आपको आपके पास भेज दिए, तो आपको तुरंत फ़ोन लगाया तो देखा कि बाबा आपका तो बिल के साथ फाइन भी लगता है, बोला हाँ लगता है, परेशान करके रख दिए ना, मैं तो फ्री में कर रहा था, लेकिन ये लोग ऐसे परेशान करके मेरे को रखे, जब थोड़ा सा पैसा लगा दिया तो फिर वो यूएसए कनाडा जर्मन ऑस्ट्रेलिया वाले वो डॉलर वाले अपना नौटंकी चालू कर दिए, इंडियन वो डेट बुक करके रख दिए, इतना डेट बुक करके रखे कि हम इंडियन से बात नहीं कर पाए, फ्री वालों को देख नहीं पाए, सब डेट फिक्स करके रख लिया, किसी किसी का नाम पे लेके रख लिया। अब सुना कि बेच रहा है, बोला रुक बता रहा हूँ, मेरे डेट लेके तुम बेचेगा पैसा कमाए, सोचो कैसे चमत्कार हो रहा है। बोला नहीं, जो भी फॉरेन है उनको 200-150 डॉलर करो, नो फॉरेन आइटम डायरेक्ट नहीं हो सकता, तब कुछ इंडिया वालों के लिए ट्रैफिक बना, इंडिया वालों के लग तो अब वो लोग और चालाक बन गया, इंडिया वालों के नाम पे डेट बुक कर दे रहा है, इंडिया का रेट बढ़ाओ ताकि नहीं बुक कर पाए, समझ में रहे? तो समय के अनुसार सब कुछ परिवर्तन होने लगे, तो जो बेचारे जो दुखी दरिद्र हैं उनको सहायता नहीं कर पा रहे इनका परेशानी के लिए। अब सोचो तुम इंडियन है, ऐसा चल रहा है ना मेरे साथ, तुम पकड़ लो डेस हो, नाम नहीं लेना चाहता हूँ, चलो मेरा भगत हो, तुम क्या करेगा, उधर तुम्हारा बहुत सारे फॉरेन ओरिनर वाले हैं, तुम उनको पकड़ा, उनसे तुम डॉलर लाया, तुम मेरे को रुपया दे दिया, डेट बुक कर दिया, तेरे को फ़ोन किया तो तुम उनको लगा दिया, अब ये कौन इंग्लिश में बक रहा है ना, यूएसए वाला हम, अच्छा जब इसको धड़काए इनको चमका के रखे, भाई माफ़ करो ऐसा मत करो प्रभु। तो फिर सोचो आपका कुंडली मैं देख रहा हूँ, आप बोलोगे मेरा बेटी का देखो, बोला अमेरिका में है, $100 का आम खरीद के खाती है तुम्हारा बेटी, तो $150 का उसका जिंदगी के बारे में उसको कुंडली दिखवाना है, $150 नहीं देगा जो तुम्हारे भाई अमित में मेरे पास आए। अच्छा आ भी जाए बताओ,
अभी मेरा दिमाग तुम्हारे कुंडली में डूबा हुआ है, तुम तुरंत बोलते हो मेरा बेटी का देखो, मेरा बेटा का देखो। हम कहाँ जाएंगे बताओ? इस समय मेरे दिमाग में है कि ये आदमी ये प्रश्न पूछेगा, इसको ये उत्तर देना है, इसका ये ग्रह दशा लग्न राशि नक्षत्र में बैठे हैं। तुम उस समय बोला मेरा बेटी का देख दो, मेरा बेटा का देख दो, अमेरिका में बैठा है, $100 का आम खा रहा है, लेकिन आपको देने के लिए नहीं है। मैं फंसा? तो ये जो परेशानी समझ रहे हो ना, ये परेशानी होना एक आम बात है। तो इसमें फिर जैसे जैसे तुम डाली डाली चलोगे तो हमको पत्ता पत्ता में जाना पड़ेगा। तो क्या कह रहे हैं समझ में आ रहा है? जिसका जड़ अंदर तक नहीं घुसा है तो संसार में भी विकास नहीं मिलता है। संसार में तुम्हें विकास चाहिए तो अध्यात्म में डीप रूटेड अंदर घुसना पड़ेगा। ये जो उफड़े हुए पेड़ देख रहे हो आज, ये यही कह रहे हैं कि इनका डीप रूट अध्यात्म में अंदर तक जड़ गया नहीं। और देखना जितने सारे संसार में दरिद्र गरीब भिकमंगे उचक्के जितने सारे रहेंगे, जिनके पास नहीं है कुछ और एक एक रुपया के लिए रो रहे हैं, गरीब हैं, या बोल रहे हैं कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, गुरुदेव इधर आओ, तुम्हारा टंकी में हम गैस भरेंगे। समझ आ रहा है? खाली टंकी का गैस है, आग कहाँ से लगेगा बाबू? अगर तुम बोले हमारे पास तो सर टंकी है, टंकी तो है बेटा, गैस रिचार्ज नहीं है, खाली है। हाँ, उधर 56 इंच रेट बढ़ा दिया है, इधर रेट बढ़ गया तो रिचार्ज नहीं किया, खाली टंकी है। तुम लाइटर मारो, माचिस मारो, आग लेके इतना गैस चूल्हा में दे दो, आग नहीं जलने वाला। कुछ भी कर लो, पूजा पाठ तंत्र मंत्र जंतर और क्या क्या टोना टोटका सब कुछ कर लो, आग नहीं जलेगा। बोले सार, बोले क्या हुआ? बोले मोबाइल खरीदे हैं, बात नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है रे? रिचार्ज नहीं किया, जियो वाले रेट बढ़ा दिए, एयरटेल वाले रेट बढ़ा दिए, रिचार्ज वाउचर करना पड़ेगा। तो तुम खाली सिलेंडर है, इधर आया हुआ है क्यों पंडित? सही बात। हाँ, तुम प्रयागराज में रहते हो, भोलेनाथ का दरवाज में रहते हो, महाश्मशान में रहते हो, लेकिन अंदर गैस नहीं है, खाली है, सिलेंडर खाली पड़ा है। भरो, माल भरो, करो साधना, करो तपस्या, बनो धार्मिक, फिर देखते हैं कैसे अर्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष नहीं मिलता है। इसीलिए हमारे भारतीय परंपरा में सबसे पहला क्या बताया गया? धर्म। फाउंडेशन क्या हुआ? धर्म। धर्म होगा तो अर्थ आएगा, अर्थ माल डबाडब डाबू पकड़ में आया तो कामना तो अपने आप है, शुक्रमाई तो कहां भी होगी आ जाएगी। खाली पॉकेट वाले के पास कभी देखे हो फ्लोटिंग करते हुए, डेटिंग करते हुए, पॉकेट खाली है लिविंग रिलेशन में, कभी देखे हो ना? पॉकेट में माल फुल है, लिविंग रिलेशन चल रहा है। मकरू पड़ा बेटा 7.5 का, ये कुमार पॉकेट खाली, का हुआ रे? बोला लिविंग रिलेशन सर टूट गया, अब का करें, रो रहे हैं, हृदय एकदम दर्द से फटा जा रहा है। हाँ फटेगा, कौनो कर दीजिए, अब वो भी नहीं हो पाएगा, शादी किया होता तो कुछ होता ना, ये तो शादी इज इक्वल टू लिविंग रिलेशन। बोला धन्य भाग हमारे, तेरे जैसे पंडित से मुलाकात हुआ। लिविंग रिलेशन में तुम्हारा हस्तगंठी हुआ है क्या? बोला नहीं हुआ। फेरे मारे हो क्या? बोला नहीं। बोले अग्नि को साक्षी रखे हो? बोला नहीं। कोई पंडित आशीर्वाद किया क्या? बोला नहीं। कोई बंधन हुआ है क्या? बोला नहीं। कोई माला दान हुआ? बोला नहीं। बोले क्या हुआ लिविंग रिलेशन? बोला उसका मर्जी मेरा मर्जी, एक घर में घुस गए, तेरा मर्जी उसका मर्जी, निकल गया। अब यहाँ हम का मंत्र तंत्र पूजा पाठ कर दें तुम्हारे लिए? तुम अपने शक्तियों को क्षय कर रहे हो। सोचो जिस लड़की के साथ रह रहे हो, पकड़ लो उसके कुंडली में विधवा दोष है, वैधव्य दोष है, तो दिन ब दिन तुम मर रहे हो। पकड़ लो दोनों रहे हो, तुम्हें नहीं पता, और दोनों के अंदर नाड़ी दोष पड़ा हुआ है। हर दिन एक कमरे में सोए हुए हो, एक दूसरे का नाड़ी के दोष, एक रूम के अंदर बंद कमरा है और एसी रूम है, ऑक्सीजन नहीं जाएगा बाहर अंदर, रात भर पड़े हो, तुम्हारे यहाँ इड़ा पिड़ा सुषुम्ना और जो भी तुम्हारे दोष हैं वो सब कार्बन डाइऑक्साइड मोनोऑक्साइड एक दूसरे का निकाल रहा है, एक रूम में पड़े हो, तुम उसको उसका इनहेल कर रहे हो, तुम्हारा इनहेल कर रहा है, उसका नेगेटिव एनर्जी तुम्हारे अंदर, तुम्हारा नेगेटिव एनर्जी उसके अंदर, और जिस दिन तक शूट कर गया जिस दिन ब्लास्ट कर गया उस दिन तुम बीमार पड़े हॉस्पिटल में,
और लिविंग रिलेशन वाली को तो क्या चाहिए, मिशन चलना चाहिए, मिशन फेल्योर है तो ये नहीं दूसरा मिशन लाओ, इसलिए तो लिविंग रिलेशनशिप। जब तक मोबाइल काम कर रहा है हलो हलो, खत्म हो गया फेंको फेंको, भैया मैं घुसन दड़ू, हाँ दिस इज कॉल्ड लिविंग रिलेशनशिप। तुम्हारे पास ताकत है लिविंग रिलेशनशिप, नहीं ताकत है फिर बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, बूढ़ा घोड़ा काला वो क्या बोलते हैं दूसरा लगाम, मूव ऑन नेक्स्ट। हाँ मूव ऑन नेक्स्ट, दिस इज लिविंग रिलेशनशिप। शादी में थोड़ी ना बंधन किया कि जन्म जन्म का, और भाग गई तो ठीक है पूजा करके खींच लेंगे कोई बात नहीं, तुम्हारे अंदर आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाया, यहाँ तो क्या हो तो सारा खर्चा कर दिया ना भाई। मेरे पास ऐसे बहुत सारे लिविंग वाले हैं जो उसके साथ रह के, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, बीमार खरीद लिए, किसका कमर दर्द किसका हाथ, अब मशीनों काम नहीं करेगा तो क्या करे बाबू, चुस तो लिया सारा, अब रोने से क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत, कंसेप्ट समझ में रहे हैं। लेकिन अगर तुम्हारा अध्यात्म मजबूत है, स्पिरिचुअल पावर मजबूत है, अंदर का इंटरनल एनर्जी मजबूत है, फिर कितना बबंडर आ जाए, फिर कितना और क्या क्या आ जाए, तुम्हारा कोई प्रॉब्लम नहीं, आएगा चला जाएगा, एक दो टहनी टूट गया टूट गया कोई बात नहीं। जाने की जड़ मजबूत है बाबा, ये पेड़ देख रहे हो, बड़े बड़े पेड़ है ना, उनका चेहरा कह देता है कि जड़ मजबूत है। अध्यात्मिक क्षेत्र ना ना, हम मजबूत अंदर क्या कहते हो, पकड़ लो हम दारू पीने वाले बेवड़ा मारने वाले हो, रणुआ हो भणुआ हो, मेरा चेहरा नहीं कह देगा कि भणुआ बाबा है, बल्कि उसमें क्या है लिख के घूमेंगे हम भणुआ बाबा, नहीं नहीं वो तो और हम दारू पीने वाले, वो तो देख के पता चल जाएगा कि पेड़ एकदम मजबूत अंदर तक जड़ गया है एकदम है, आदमी को देखते ही पता है। इसीलिए तो कहते हैं चाल देखो हाल देखो ढाल देखो माल देखो खाल देखो ताल देखो कपाल देखो, कपाल पाठ, इसीलिए मैं कुंडली देने क्या बोलता हूँ, मैं कपाल का फोटो भेज, वो कुंडली उंडली हस्तरेखा तो बाद गई, कपाल तो सब के ही देता है, का देखो हाल देखो माल देखो खाल देखो ढाल देखो बाल देखो और कितना लॉ दिखाएं तुमको, कितना एल दिखा दिया, तो सबसे पहले क्या देखोगे आदमी का, क्या देखो हाल देखो किस हाल में आया है, हाल देखो माल देखो, गरीब भिखमा के घर में पूजा करने गए तो क्या बोले पंडित जी 11 रुपया देख लिया, माल देखो, अच्छा माल का बहुत सारा मीनिंग है, अंदर वीर्य शक्ति कितना है माल देखो, वीर्यवान नूर्यवान महाशक्तिवान माल देखो, ढाल देखो किधर ढलवा है, ढाल किधर हो गया है किधर ढला है खाल देखो चमड़ा कैसे है, अच्छा रहे रुघुआ है चर्म खराब, चर्म के बारे में किसी और दिन बताएंगे समझ आ रहे, चमड़े से ही सब कुछ पता चलता है, अच्छा हाँ हाल देखो खाल देखो ढाल देखो माल देखो बाल देखो केस ढाल क्या है, ढाल मतलब किधर ढला हुआ है, तुम यहाँ बैठे हो आगे की ओर झुके हुए हो, पीछे की ओर झुके हुए हो, बाएं की ओर झुके हो, हर एक ढाल कुछ अलग मीनिंग कहते हैं। हमारे आयुर्वेद प्राकृतिक आयुर्विज्ञान नेचुरोपैथी और एस्ट्रोलॉजी में बोलते हैं ना चेहरा देख के रोग बताओ, मेरे दतिया पीठ में एक गुरु जी हैं आपके उधर झांसी ग्वालियर में दतिया पीठ माता पीताम्बरा, बहुत साल पहले गया, ऐसे गया ना बहुत स्कॉलर आदमी ऐसे ऊपर से नीचे देखा, अरे तेरा यहाँ वो ग्रह बैठा है वहाँ ये ग्रह बैठा है यहाँ ये ग्रह बैठा है, बोला तेरी बिना कुंडली देख के बोलता है आदमी, बिना कुंडली देख के बोलता है कि तेरा ये घर में ये घर ये घर में ये बैठा है, चौंक गए हम, बोले इतना बड़ा हम एस्ट्रोलॉजर, तो ऐसा गुरु से जब पाला पड़ता है तो कुछ सीखने के लिए मिलता है कि आदमी का चेहरा देख के बता देता है कि लग्न में कौन बैठा है, लग्नेश कहाँ गया है, छठा में कौन बैठा है और द्वादश में कौन बैठा है, सामान्य खेल है, कोई व्यक्ति आपको देख के आपका कुंडली बता दे, चेहरा देखा खाल देख के बोलता है बाबू ई दशा चल रहा है, चमत्कार होता है ना ऐसे आदमी का,
तो उसके सामने बोले पर्ची निकाल। बोले शरणापन्न गुरुदेवाय नमः। बोले हमारा सारा ज्ञान आपके श्री चरण में प्रभु। तो गुरु भी बोलता है तेरा सारा ज्ञान को हम एफडी करके तुमको दोबारा पकड़ा रहे हैं, लो और सुनो अब क्या करना है। ये गुरु होते हैं। ऐसे जिस दिन टकराओ ना ऐसे गुरु से, तब समझना कि एस्ट्रोलॉजी क्या है। ये जो गधा घोड़ा भेड़ बकरी लोग, एस्ट्रोलॉजी खराब है, झूठ है, ग्रह नक्षत्र कुछ होता नहीं है, बेवकूफ है, बवंड, ये क्या बोलते हैं, हेलोसिनेशन है, ठगबाजी है, इनका जिस दिन फटेगा ना कि वीडियो बनाना भूल जाएंगे ये लोग, समझे ना। कहे बड़े बड़े यूट्यूबर्स देखे हैं 3 लाख सब्सक्राइबर 20 रुपया मांग के खा रहा है, क्या हुआ? इसलिए गौ, ब्राह्मण, अग्नि, इन तीनों का निंदा नहीं करना चाहिए। और शास्त्र, वेद, वेदांत निंदा नहीं करना चाहिए। ऐसा झटका मिलेगा। और देखा हूं जो लोगों का बुरा वक्त आता है, जिनका अपमृत्यु योग बनने वाला है, मरने वाला होगा, देखना जिसका वंश नाश होने वाला होगा, ये लोग आखिरी टाइम में मैं देखा हूं ये लोग पंडितों के साथ लड़ते हैं। मैं पंडा शर्मा मिश्रा का बात नहीं कर रहा हूँ। जो लोग आध्यात्मिक साधु संत सन्यासी, जो लोग आध्यात्म में रहते हैं, पुरोहित परोपकार करते हैं, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणा, ऐसे संतों के साथ ये लोग भिड़ते हैं तभी उनका वंश नाश होता है। या फिर शास्त्रों का प्रचंड खंडन मंडन, शास्त्रों के पीछे लड़ना, ज्योतिष खराब, तंत्र खराब, तेरा बाप का क्या गया यार, कौन खराब कौन अच्छा, तेरा जितना अकल तू उतमें रह, तेरा जो ज्ञान तू उसमें रहे, तेरा क्या खुजली पड़ रहा है भाई इनके साथ लड़ना, हम आज तक नहीं लड़े तेरे साथ, तू क्या क्या कौन कौन क्या क्या कर रहा है, करने दो यार, ठीक है उनको दशा वशा अंतरदशा चला रहा है, उनको लड़ रहा है, लेकिन तुम जब उंगली करने लगते हो ना इन लोग ऐसे अकल्ट के साथ, अकल्ट विद्या बड़ा भयंकर विद्या है। तुम 8th हाउस में उंगली कर रहे हो मतलब बहुत जल्दी तेरा फटने वाला टाइम आ गया है। बिना फालतू का क्या जरूरत है लाल किताब को गाली दें, लाल किताब, पीला किताब, गिरू, लाल किताब का अपना सम्मान है यार, गधे लिख दिए इतना मोटा मोटा किताब, जा ना तेरा कितना औकात है देखता हूँ, 2-4 वीडियो बना के पंडित बना फिरा है, एक गो किताब लिख ना 2 पेज देखते हैं लाल किताब। वो पराशर जी, भगवान पराशर, भृगु जी, यमिनी जी, ये लोग दारू वारू पी के एस्ट्रोलॉजी लिखा, पगलाया था, पागल हो गया है तुम जैसे, और बना दिया 1 वीडियो, और तुम बोलेगा हम यूट्यूबर, भाई क्या जरूरत तुमको इन लोगों के साथ लगना, शास्त्रों के साथ लगना, हर एक शास्त्र में एक देवता है। हम जब खोलते हैं पाराशर, जैमिनी, भगवान, लाल किताबों को भी खोलते हैं ना तो भी उसको पाठ करते हैं, मुंडिया मारते हैं, उसको सिंदूर, दीप, धूप, हर दिन धूप दिखा के पूजा करके जाके डरते डरते, मैं तो आज भी भृगु को खोलने से ना मेरा आधा तो कांपता है ऐसे। मेरा दादाजी बोलते थे भृगु घर में मत खोलो, मंदिर में जाओ पूजा करो फिर खोलो, पूर्व जन्म का बात है उसमें, 3 जन्म का कहते हैं, हाँ मत छुओ ऐसे। और आज भी बिलीव करो मेरे घर के अंदर ओरिजिनल भृगु टेक्स्ट आज भी नहीं रखा गया, अलग पीठ बना के उसको रखा गया, अलग पीठाधीश बना के। दादा परदादे गधे थे क्या, लाके घुसा सकते थे घर के अंदर? नहीं, अलग रखे। आज तक मेरा भी साहस नहीं, आई एम साइंस गाय, मैं तो घुसा देता। संध्या हो गया बोलते नो नो एस्ट्रोलॉजी बंद। संध्या दीप लगा और कोई शनि राहु केतु का नाम लिया तो ये घिंच के बंद। काहे मूर्ख थे? मतलब तुम एक गो वीडियो बना दोगे और तुम मुझे कहोगे कि एस्ट्रोलॉजी झूठो है, ये सब हेलुसिनेशन है, ये सब बुड़बकों को बुड़बक बनाने वाला बात है, ये सब में कोई सच्चाई नहीं है, हम लोग साइंस का युग का है। हाँ तो हो ना बाबा, तो हमरे पीछे काहे पड़े, तुम हो एस्ट्रोलॉजी का झूठ है तो ये इतना सारा सब्सक्राइबर का पगला गया है, इतने सारे मकरू का फट के एकदम सट के एकदम हट के एकदम टूट के एकदम चटक के गया, तो का इनको हम कर दिए हैं, इनको तो पता हुए नहीं था। बहुत से मकरू अपने मेरे को बोले कि कब 7:30 लगा पता नहीं, आपका वीडियो देख के पता चला रे, आप जो कह रहे हो सही कह रहे हो, तो कहाँ से कहें, दारू पी के
या बात किए सनी बाबा अब कहो क्या करना, हेलो ऐसा किए कहा। तत्व क्या है यहाँ? तत्व यही है कि बेटा अपने को अध्यात्म में बेस को मजबूत करो। नहीं पता चुप रहो, लेकिन वो खराब ई खराब वो झूठ वो ऐसा वो तैसा वो बाबा खराब वो तो बाबा खराब। बाबा तेरे को आया था भीख मांगने, सब बाबा खराब हो गया। चमत्कार, सबका नुमाइंदेगिरी काहे करो? तुम्हारा बाबा खराब हो गया तो तुमको पैसा मांग रहा कि बाबा तुमको बुलाया था आओ हमारे पास। ओ बाबा किया किया तुमको, अगर कोई कंपनी पैसा दे के बाबा के विरुद्ध में वीडियो बनाने के लिए बात कर रहा है तो बोलो है भाई दे रहा है पैसा? सही बात है। नहीं मुझे तो नहीं दिया। नहीं दिया ना तो फिर काहे खुजली? समझ आ रहा है काहे खुजली? तुम बाबा के पीछे काहे पड़े हो? अच्छा चलो टुच्चा बाबा है मानते हैं, खराब बाबा है ये भी मानते हैं, चलो जेल वाला बाबा है ये भी मानते हैं। बाबा है ना तुम बन के दिखाओ ना। चलो झूठा बाबा है, फरेब बाबा है, धोखा वाला बाबा है, रंडुआ बाबा है, भंडुआ बाबा है, दरुआ बाबा है, मड़ुआ बदुआ है, सब बाबा है, लेकिन बाबा है। उसके कुंडली में इतना पावर था कि विश्व आद का लोग उसके एक दिन था जहाँ पैर में झुकते थे। तेरा कौन झुकता है रे पंडित? तुम कितना भी वीडियो बना लो, कितना भी सब्सक्राइबर कमा लो, कितना भी तुम ओ के करके एम करके का कर लो, एक आदमी तेरा पैर में आके झुकेगा? नहीं। भाव भक्ति से झुका, बाद में बाबा पकड़ा गया कोई बात नहीं, तेरा क्या गया? तो सोचो उसके कुंडली में ऐसा भयंकर दुर्योग होगा तभी तो बाबा अंदर गया। और कल फिर से राजयोग नहीं जगेगा और विश्व का किसी जगह में और एक देश नहीं बना देगा, गारंटी है। कोई सोच सकता है क्या कोई बाबा जाके दूसरा देश, सुने हो कि नहीं वो बाबा क्या नाम है, एक तो और कहीं देश बेटा आइलैंड खरीद के देश बना लिया? ओसो, ओसो। नहीं ओसो नहीं, और एक तो कोई बाबा है नाम नहीं जानते हम, स्वामी नित्यानंद। हाँ एक वो देश बना लिया बेटा साउथ का। हाँ तू का तू कितना निंदा कर रहा है कर ना, इंडिया में वो तो देश का राजा है, कैलाशा नाम। हाँ तू कुत्ता बन के भोगते रहो, वो तो हाथी है चल रहा है बाबा, बाबा का कुंडली में उदम है ना। उसको तो फसाया गया था। अरे गोली मार फसाया, खराब है सच है, उधर कौन गु घटने जाएगा यार? हम बहुत तेजी से मतलब पैर फसा रहा था साउथ में। हाँ ठीक है यार, उसे, वाले उसको फसा। मैं ये कह रहा हूँ कि मत लगो इनके साथ, गवर्नमेंट का काम है लगने दो, किसका भिड़ना है भिड़ने दो, लेकिन आप लोगों को कह रहा हूँ कि आप मत भिड़ो, इनका एग्जाम्पल में मत जाओ। ठीक है खराब है खराब है, आप उनके पीछे खुजली करके वीडियो वीडियो बना के उनके नौटंकी करोगे। मैं बहुत लोगों को देखा हूँ, बहुत यूट्यूबर और फेसबुकर्स को देखा हूँ, जो लोग आखिरी में इन सब के साथ लगते लगते आज नहीं है, हाईएस्ट पनिशमेंट हो गया इनको। सोचो कोई बाबा को तुम दे दिया, बाबा देखा कि मेरे नाम पे वीडियो बनाया है, खुश तो नहीं होगा? अच्छा बाबा का पकड़ लो, बहुत सारे चेला है, पकड़ लो दाढ़ी बाबा का, लाल बाबा का, काला बाबा का, सफ़ेद बाबा का, जो भी बाबा नाम का है ले, उनका फॉलोअर्स तो बहुत रहता है। फॉलोअर देखा कि ये आदमी इसके नाम पे वीडियो बनाया, समझो गलत वीडियो ना, गलत बनाओ सही बनाओ, निंदा किया है, खराब बोला है बाबा को, जो भी गंदा गंदा बोला है, इतना सारा लोग पकड़ लो। अभी सबसे ज्यादा टॉप रैंकिंग में उका बाबा है, टोपी वाला पर्चा वाला बाबा है बागेश्वर। अरे नाम काहे लेते हो? तो उसका तो उनका तो बहुत फॉलोअर्स है ना। अब जो वहाँ जाके फायदा मिला झूठो सही, पकड़ लो बाबा कोई तंत्र मंत्र जंतर जादू जादी का छोड़ी चला के उनको ठीक कर दिया, चाहे हिप्नोटाइज करके या काला जादू करके सफ़ेद जादू करके ठीक कर दिया, तो कितना भी बोलो बाबा को तो खराब नहीं बोलेगा, वो बोलेगा क्या? फॉलोअर तो हो गया। ऐसे बाकी लोग जो देखते हैं ना दर्शक, वो लोग भी देखा कि बाबा टोपी वाला तो ठीक कर रहा है, तो उसका फैन फॉलोअर हो गया, भक्त बन गया। हमारे इंडिया में सबसे बड़ा बीमारी है भक्त बनना, कलयुग में तो लिखा गया है बाबा लोग भगवान बनेंगे और इनको इनका भक्त बनेंगे, और जितना मूर्ति का कोई नहीं हो तो कलयुग का धर्म नियम बताया गया है, इसमें क्या चिंता, समझ में आ रहा है? वो लोग जब तुम्हारे लिए अभिशाप भेजेगा या जप कर रहा है, वो तो सिखाया बाबा हनुमान का जाप करो सिखाया, तुम्हारा मन में आ गया, तुम्हारा बात उनके मन में आ गया, हमारा बाबा के बारे में ऐसा बोला तैसा बोला, उसका फट जाए टूट जाए सट जाए हट जाए, उसका
चार पीस हो जाए, उसका निकल जाए, उसका रहे नहीं, सोचने में कोई प्रॉब्लम है? जब यूनिवर्सियल कॉन्शियस तुम्हारे बारे में नेगेटिव सोचेगा और तुम्हारे पास ऐसा एनर्जी हिट करेगा, तो तुम कितना बड़ा इंटरनेशनल पैसा लेके उनके विरुद्ध में वीडियो बना के खड़ा हो जाओ ना, तुम्हारा घर परिवार शांति रहेगा क्या? चलो, तुम इतना विज्ञान हो कि टेलीपैथी को झूठ बोलते हो, मन में किसी का दुर्भावना आपके प्रति है उसको भी झूठ मानते हो, कोई बात नहीं। लेकिन आप सोचो, तुम्हारे बारे में अगर हम बुरा सोचे तो तुमको पता चलेगा कि नहीं चलेगा? बोलो, तुम्हारे बारे में हम बुरा सोच रहे हैं, नेगेटिव सोच रहे हैं, तुम्हें पता चलेगा कि नहीं चलेगा? एक दिन पता चल ही जाएगा। चल जाएगा ना। हाँ। दूसरा सोचो, तुम मेरे पास आया, हम सोचा कि मुर्गा है बेटा, लाया है 20-40 हज़ार रुपया, बढ़िया से हलाल करते हैं, कितनों भी हम बचा लें, आज नहीं तो कल पता चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा ना। ऐसा ही है। तो इसलिए कितनों भी हम लोग अपने को बचाएं नेगेटिव इफेक्ट से। और अगर तुम्हारे पास आध्यात्मिक ताकत है, पावर है, टकराओ फिर, काहे तुम्हारा शक्ति को यूटिलाइज करोगे खराब काम में? यही है द्वादश भाव, कुंडली का द्वादश भाव ना, जो लग्न का व्यय करता है ना, यही है कि तुम टकराया और तुम्हारा सारा एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर दिया। तुम्हारे पास भगवान ताकत दिया, तुम बढ़िया बोल सकते हो, बढ़िया वीडियो बना सकते हो, बढ़िया ब्लॉग लिख सकते हो, उसको अपने काम पे फोकस करो, अपने पे टाइम दो, काहे टकराओगे इन गधों के साथ? जहां आदमी पूरा साइड सपोर्ट उधर है, तुमको लड़ना है तो भुखमरी के साथ लड़ो ना, गरीबी बेकारी के साथ लड़ो ना। बाबा लोग झूठा किसको ठीक कर दिया, किसको अच्छा कर दिया, क्रिश्चियन खराब, हिंदू खराब, मुस्लिम खराब, हिंदू खराब, अरे काहे खराब यार, धर्म है, आदमी का मानते हैं, सेंटीमेंट को काहे कष्ट दोगे? किसी का सेंटीमेंट, मैं आज तक किसी मुसलमान के विरुद्ध में एक शब्द नहीं बोला, किसी क्रिश्चियन के विरुद्ध में एक शब्द नहीं बोला, कि कितने सारे बाबा माबा टावा काबा है, किसी के विरुद्ध में एक शब्द नहीं बोला। काहे बोले वो खराब है, उनका कर्म हो जाने, हम क्यों पढ़े हैं? हम क्यों पढ़े? तुम्हारा काहे खुजली? अगर तुम्हारा खुजली है तो सारे एस्ट्रोलॉजर को क्यों लपेट रहे हो? लपेटो और किस दिन तुम्हें लपेट दें, तब तुम्हारे लिए बाकी तुम्हारे बीबी बच्चे सब है ना कष्ट में आ जाएंगे, खाना पीना नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा, तुमको कुछ हो गया तो कुछ होने में प्रॉब्लम है का? किसी के अंदर अगर किसी का आह उठे, बोलते हैं ना किसी नारी को कष्ट दिया और उसका आह उठा, उसका आंसू गिर गया, तुम्हारा तो कल्याण नहीं होने वाला है। अभी का जरूरत भाई गाय के पीछे बोलना चालू, गाय खराब, मूत्र गलत, बहुत ले यूट्यूबर लोग जो अभी यूथ लोग है, विशेष करके थोड़ा पढ़ लिख लिए, ओल्ड एजुकेटेड है, पूरा एकदम दिन भर ये सब लेके क्रिटिसाइज करते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक बात बताओ, किसी अब सोचो किसी का कैंसर हो गया है, उसके पास कोई मेडिसिन नहीं है, चलो गोमूत्र में बैक्टीरिया है, गोमूत्र खराब है, गोमूत्र कचड़ा है, ओके मानते हैं, ठीक है, क्यों? ये जो गाय का कैप्सूल वैप्सूल खाते हो, टेबलेट वेबलेट खाते हो, उसको नहीं बोलते गाय का हड्डी का चूरा से बना है? अमेरिका जैसा देश पेटेंट लेके बैठा हुआ है। हाँ। गोमूत्र के ऊपर। हाँ। ठीक है। हाँ। और तुम बड़ा वैज्ञानिक हो गए। बड़ा वैज्ञानिक हो गए। और वो जो कैप्सूल बनता है ना गाय का, जो क्या बोलते हैं, काला और लाल वाला बनता है ना, उसको दवाई उसके अंदर भरा जाता है, एक तरफ लाल एक तरफ का ऐसे टाइप का? नहीं यार, वो एलोपैथी का टाइप, जो भी उसके अंदर ऐसे बंद रहता है, जिलेटिन किससे बनता है बाबू? वही तो मांस से बनता है। हाँ, अब कुछ लोग बोले अभी ऑर्गेनिक से बनता है, बोले हाँ हम ही को बकुआ बनाया है एलोपैथिक, मैक्सिमम कैप्सूल तो ही मतलब कि तो अरे यार हड्डी खा लेता है, चर्बी खा लेता है, तो मूत्र पीलिया क्या नुकसान कर दिया यार, पीलिया मेरे बाप का क्या गया, उनका मर्जी। अच्छा, हम बोलते हैं गोमूत्र के लिए, ठीक है, मेरे पास साइंटिफिक एविडेंस है तो बोलते हैं, खराब है तो खराब, ठीक है बोल देते हैं खराब, का प्रॉब्लम? खराब इसलिए निकला क्योंकि वो जर्सी गाय का ये था। हाँ, जर्सी होल्स्टन फ्रीजियन भैंस सब का था, इसमें कोई गुण नहीं है, लेकिन देसी गाय का जो मूत्र है उसमें आज भी वो ताकत रखता है, कैंसर जैसे बीमारी को भी ठीक कर सकता है। अमेरिका जैसे देश 5-6 पेटेंट एक साथ लिए हुए हैं कितने साल पहले। मेरा लक्ष्य वो नहीं है, मेरा लक्ष्य मेरे बिंदु पे है कि आध्यात्मिक आधार अगर शक्तिवान है
और तुम अपने आध्यात्मिक शक्ति को या भगवान दिया हुआ शक्ति को कहाँ बर्बाद करते हो वो कह रहा हूँ। कोई बात, तुम भिड़ा अभी पंडित के साथ, तुम ब्राह्मण निंदा किया, तुम गुरु निंदा किया, तुम अग्नि निंदा किया, तुम शास्त्र निंदा किया, तुम गौ निंदा किया। अभी ये हमारे यहाँ नाम लेना नहीं चाहा, हमारे प्रदेश का बात कर रहा हूँ, वो मंत्री लोग बैठे थे मीटिंग में, तो कुछ मंत्री तो चुप रहे गाय का मैटर आया तो, लेकिन एक मंत्री तोड़ दिखाया, गाय रास्ता में नहीं घूमना चाहिए, हटाओ, कतलखाना भेजो, वो हजो डिस्टर्ब होम भेजो, मर गया अभी अपने आप मर गया। हम मार दिए का, हम तो देखे ही नहीं उसका जिंदगी में कभी, थेर थोबड़ा कोई कोई गोली मार दिया क्या, ऐसे ही मर गया, गाय का निंदा किया मर गया। ऐसे बहुत लोगों को देखे हैं जिंदगी में, गौ ब्राह्मण अग्नि शास्त्र। तो ये कह रहे हैं कि तुम्हारे जो आध्यात्मिक शक्ति है तुम कहाँ विनाश करते हो। हम यहाँ किसी का एक्सप्लेनेशन देने नहीं बैठे। तुम्हारा जो ये पूछा कि कैसे पता चलेगा कि आदमी का आध्यात्मिक धरातल अंतरात्मा कितना अंदर गया है, यहाँ से पता चलेगा। अगर बेवकूफ़ है तो फिर अपने शक्ति ऊर्जा दिमाग बुद्धि इन्हीं लोगों के पीछे लगाएगा, वीडियो बना के, किताब लिख के, ब्लॉग लिख के, और अपने ऊर्जा बर्बाद करेगा। तो समझ जाना कि इसका हाल बेहाल है, आध्यात्मिकली ये गिर रहा है अभी, समझ में आ रहा है। बुद्धि भ्रष्टा क्रोधात बदत भवति सम्मोहात सम्मोहात बुद्धि विर्भम बुद्धि बुद्धिनाशम बुद्धिनाशम प्रणश्यति। समझना कि इसका विनाश का टाइम आ गया, ये अपना शक्ति और ऊर्जाओं को गलत दिशा में लगा रहा है। जिनको जिनके पीछे नहीं भिड़ना चाहिए उन्हीं के पीछे भिड़ रहा है। समझना कि ये पेड़ गिरने वाला है बहुत जल्दी। समझना कि इसका, बोलते हैं ना भगवान किसी को बुरा करवाना चाहते हैं ना तो बुद्धि भ्रमित कर देते, और बुद्धि भ्रष्ट हो गया इसीलिए बुध ग्रह को बताया गया, इसीलिए गणपति को बताया गया, और इसलिए जब बुध जैसे प्लैनेट, छोटा सा प्लैनेट, जल्दी रिजल्ट कर देता है। बुद्धि भ्रष्ट हुआ माने, बोलते ना सठिया गया, बिना सकाले विपरीत बुद्धि, विपरीत तो बुद्धि। तो ये लोग उसी ग्रेड के हैं। तो बाप यहाँ पर पूरा समिंग अप करते हुए आप लोगों के इस सत्र में इतना कहूँगा कि अगर अपने को मजबूत करना चाहते हो, अपने को स्ट्रांग बनाना चाहते हो, आपको महान बनाना चाहते हो, आपको संसार में भी आपका प्रतिपत्ति दिखाई दे, तो समझना कि अंदर उतना जड़ मजबूत है। तो अध्याय यहाँ पूरा कंप्लीट क्लीनिंग, सिंपल क्लियर बात कह रहा हूँ। अगर आप आध्यात्मिक लेवल पे मजबूत हो, स्ट्रांग हो, धर्म कमाए हो, धर्म रक्षति रक्षक, आपका पुण्य बल मजबूत है, खीणे पुण्य मर्तलों के, हैं बोलो पंडित, अरे बोलो, खीणे पुण्य मर्तलों के, खीणे पुण्य मृत्यलों के, हाँ फिर क्या, पृथ्वी में ना, हाँ मर्त्यलों के विसंति बोलोगे ना, प्रयागराज से आए हो, इतना बड़ा शिविर में आए हो, छोटा मोटा एक एक डायलॉग नहीं मारोगे तो पता कलर कैसे चलेगा पंडित हो बोल। खीणे पुण्य मर्तलों के विसंति, पुण्य खीण होता है तो आदमी पतित हो जाता है। उंडली उंडली दिखाओगे, दिमाग खराब करके सर ठोक रहे हो, शादी नहीं हो रहे, अबे का नहीं होगा शादी, हमारा सप्तमाधिपति अष्टम गोली मार, बृहस्पति नीच गोली मार, लगा साधना, तपोबले सर्वसिद्धि। तप में क्या होता है, आध्यात्म बल बढ़ाते हो, सब कुछ सिद्धि होता है। मेरा कुंडली में तो नौकरी योग नहीं है, गोली मार, बैठ तपस्या कर, कैसे तेरा नौकरी नहीं लगता है। नौकर बनेगा, चाकर बनेगा, गुलाम बनेगा, ग्रह को देखेगा। बैठो, पकड़ो माला और भाला उठाओ, कैसे नहीं होता है देखते हैं। तो खेल कहाँ है, अध्यात्म, अंदर का जड़ को मजबूत करो, जड़ को सींचो। पेड़ में पानी देने से कुछ काम नहीं देगा बाबू, बहा देंगे, दहा देंगे, ताड़ देंगे, मोड़ देंगे, उखाड़ देंगे, काम नहीं देगा। भूत पकड़ा है, क्यों पकड़ा रे, प्रेत बाधा हो गया, क्यों हुआ रे, नहीं कुंडली में पितृ दोष है, क्यों हुआ रे, का बोले गुरुजी तुमको, का बोले, तुम्हारे घर में इष्ट देवी का पूजा होता था, अभी नहीं हो रहा है, बोले कि नहीं बोले, गए थे देखने के लिए, चावल देखे ना तुम्हारा,
का बोले तुम्हारे घर में इष्ट देवता थे, पूजा नहीं हो रहा है। यहाँ बैठे बैठे बोल देना बकरा लगता था, आजकल भूल गए, तुम लोग कसम खा लिया और नहीं दे रहा है। कितना पुराना साल बात है, तुम्हारा दादा परदादा बकरा बलि देते थे होंगे, नहीं दिया। ये आदमी कैसे पता चला भाई यहाँ झिरपानी में? और तुम्हारा गांव कितना दूर है प्रयागराज से? प्रयागराज वाले हो ना? बनारस वाले हो? हाँ, तुम प्रयागराज वाले हो। कितना दूर है यहाँ से? कितना दूर? 700 किलोमीटर। 700 किलोमीटर। यहाँ बैठे कैसे पता चला? उनको हम बोल दिए हैं, हमको पता था तुम्हारा घर टूटा फूटा भंगा पटा और ये पीर पंच पीर पूजा होता था, हमको बोले थे तुम कभी, तो कैसे उनको पता चला? काम करके बता दिए ना? कुंडली देखे का नहीं ना? हाथ मारे और बता दिए ना? कैसे बताए? झूठ बोले का ना? नहीं बोला ये सब झूठे बोल के? सच बोल दिया ना? देख लिया तो चमत्कार। तो क्या मतलब? मतलब क्या? तुम्हारे वंश का जो आध्यात्मिक शक्ति था, इसलिए वंश देवी, कुल देवी, इष्ट देवी, और तुम क्या है? चलो भगवान है नहीं है, दुर्गा माँ काली माँ है नहीं है, भोलेनाथ है नहीं है, कोई नहीं देखा। ऊर्जा है ना, शक्ति है ना? तो एक शक्ति को ये लोग पहचाना, एक ऊर्जा को, और उस ऊर्जा को देखा, पकड़ लो काली, एक एनर्जी है, एक ब्लैक होल एनर्जी। वो काली उली लंबा जीवा और आदमी का गला लगा के मुक्त केसी और चतुर्भुजाम शंख चक्र भुजाम ये हटाओ, वो सब बात छोड़ो, वो तो एक पकड़ लो उसको, एक झूठा प्रेजेंटेशन हुआ है, आइडियोलॉजी है। एक एनर्जी को जाना कि इस विश्व ब्रह्मांड में है एक ब्लैक एनर्जी और बहुत उग्र एनर्जी है, और उसको एक्टिवेट करने के लिए ये प्रोसेस है। तो देखा कि इस ऊर्जा को अगर हम अपने कार्य में विनियोग करें तो उसके लिए उसको एक रिकवरी एनर्जी भी इसके साथ चलता है, जिसको बोलते हैं साइबिक एनर्जी, ऊर्जा। तो इसके साथ इसको मैच करते हैं तो ये न्यूट्रल हो जाती है, हटा देते हैं तो उग्र हो जाती है। और ये दोनों एनर्जी को अगर बैलेंस कंट्रोल लाना है तो एक गणपति बोल के कुछ एनर्जी है जिसका नाम दे दिया गणपति, फिल्टर लगा दो, क्योंकि बेटा का बात तो माँ नहीं छोड़ सकती। यानी क्या हुआ, ये गणपति का क्रिएशन इसी एनर्जी का एक अलग प्रकार का स्पेक्ट्रमल एनर्जी है जो यहाँ से निकला है। भूल जाओ, अभी एक मिनट के लिए भूल जाओ, गणपति लक्ष्मी काली शिव नारायण इनको भूल जाओ, ये लोग कोई भगी देवी देवता नहीं है, बी ऑन साइंस डायरेक्टली। और जो लोग ऊर्जा विज्ञान में काम करते हैं विभिन्न भिन्न प्रकार की ऊर्जाओं को वो लोग देख लेते हैं। जो गॉडली पाटली के पार्टिकल रिसर्च हुआ, पता है ना 27 किलोमीटर का टनल के अंदर रिसर्च होता है, गॉडली पार्टिकल को एमिट करते हैं और उसको बम्बार्डिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन और उसमें से एक पार्टिकल की, इसको कहाँ से ऊर्जा मिलता है? तो फिर उनको खोज हुआ गॉडली पार्टिकल, हिग्स बोसन। हाँ, तो उसमें जो भगवतीय सत्ता है, जो कॉन्शियस एनर्जी है, उसको देखा गया कि वो हमारे चेतना के जो बुद्धि सत्ता है उससे भी ऊपर है। यानी वो सेल्फ इंटेलेक्चुअल सिस्टम उसके अंदर है। क्या कह रहा है कि हम जो क्लेवर हैं, हम जो चलाक हैं इंसान, हम जो चलाक हैं, चतुर हैं, बुद्धिमान हैं, हमारा जो इंटेलेक्ट है, ये एक तो यूनिवर्सल कॉन्शियस, यूनिवर्सल इंटेलेक्ट, चेतन अवचेतन, यूनिवर्सल अवचेतन, बहुत बड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट हो जाएगा, तुम्हारे दिमाग से पार हो जाएगा। तो वहाँ जब हम उसको देखते हैं तो वो क्या होता है, मास फॉर्म हो जाता है। क्या बोल रहा है, जब इंसान देखता है और कॉन्शियस उसमें बिल्डअप होता है तो फिर वो वेव नहीं रहता है, ऐसा करके स्ट्रक्चर बन जाता है, वो एक मास बन जाता है, एक स्ट्रक्चर बन जाता है, एक रूप ले लेता है, अपने को मैनिफेस्ट करना नहीं चाहता है। क्यों? क्योंकि हमसे उसका इंटेलेक्चुअल लेवल या क्लेवरनेस या चालाकी ज्यादा है। क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? ओके, ठीक। अभी बोला कि सर हटाया तो फिर से वो ऊर्जा बन जाता है। तो वैज्ञानिक लोग और चालाक था, कैमरा लगा दिया, तो वो मास एनर्जी E=mc² वो देखा कि कैमरा लगाया, फिर वो मास में कन्वर्ट हो गया।
और कैमरा हटाया तो एनर्जी में ले लिया। अब ये प्रश्न मत करना कि अगर कैमरा भी हट गया आदमी भी हट गया तो एनर्जी बोल के कैसे पता चला। विज्ञान का यही एक मिराकल्स है कि हमें पता है ये ऊर्जा है ये एनर्जी है लेकिन हम उसको लेके डिफाइन नहीं कर सकते। हम ये कहते हैं न्यूटन आइंस्टाइन फैराडेस जो भी आए वो अपने रूल दिखा दिए लेकिन उसको डिटेक्टिफाई नहीं कर पाए। क्या बोलते हैं, एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, न्यूटन्स लॉ। एक प्रक्रिया से दूसरा प्रक्रिया में जा सकता है, यानी कभी कभी काली दुर्गा भी बनेगी और दुर्गा बनते बनते कभी माँ बिमला बनेगी, माँ बिमला बनते बनते सरला बनेगी, माँ सरला बनते बनते माँ वो एनी फॉर्म ले सकती है वो, क्योंकि माया है। अब एनर्जी कन्वर्ट कर रहा है अपने को, इट कन्वर्ट वन फॉर्म टू, जब साइंस मान रहा है तो तेरा गधा का खुजली हो रहा है जो तू नहीं मान रहा है। हम रूप दे रहे हैं, नाम दे रहा है, शास्त्र दे दिया है, शास्त्र को हटा भी दोगे तो एनर्जी कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, साइंस कह रहा है तुम्हें मानना पड़ेगा। तुम मत मानने से क्या हो गया, तुम मत मानो। तेरा अगर जी में इतना औकात है तो एक बार मेरे साथ चलो, वो तो बोला भूत दिखाने से 30 लाख देंगे, चला दिखाता हूं। कभी भिड़ा नहीं तुम, भूतों से भिड़ा नहीं है इसलिए बोल रहे हो, समझ आ रहा है, इस धरती में नहीं है। यही तो है प्रॉब्लम हम लोगों के साथ, हम दिखा चुके होते लेकिन जब एनर्जी को तुम कैमरा भी फोकस करते हो तो क्या होता है, स्टैग्नेंट हो जाता है और तुम घूमते हो तब वो अपना कारुकत्व दिखाता है, क्योंकि तुम्हारे कॉन्शियसनेस का प्रेजेंस, तुम्हारे पर्सनल इंटेलिजेंस वो उससे भी ज़्यादा मतलब और ज़्यादा टॉप में आता है। मैं समझा नहीं सक रहा हूँ एग्जैक्ट भाषा में, तुम लोग लेवल जिस दिन यहाँ पर और IIT वाले बैठेंगे तो IIT लैंग्वेज में समझाऊंगा। मैं तो नहीं, ये तो शास्त्र में नहीं बताया, शास्त्र में अपने सूत्र में बताया, तुम काली तारिणी तुम च दुर्गा तुम माँ विमले ऐसे बोल रहा है वो, तुम इंग्लिश में वही बात कह रहे हो और क्या, एनर्जी डाइवर्ट वन फ्रॉम टू अनदर फ्रॉम, मैं संस्कृत में कह रहा हूँ। अंडरस्टैंड फैक्ट समझो, हम अपने संस्कृत में इसको प्रेजेंट कर रहे हैं, तुम इंग्लिश में प्रेजेंट कर रहे हो। डिफरेंट यह है कि यहां पर मेरा भक्ति है, भाव है, विश्वास है, तुम्हारा वहां कुछ नहीं है, तुम्हारा ऊपरी ऊपरी मानना है। आज न्यूटन लॉ सच है तो कल आइंस्टाइन का लॉ होगा, फिर कल कल कोई और वैज्ञानिक आ जाएगा तो उसका लॉ सच हो जाएगा और ये सब फिर जब नया कुछ रिसर्च हुआ तो ये कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन हमारा कैंसिल नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, हम बोल रहे हैं कि द्वैताद्वैत कह रहे हो और जब अद्वैत में जाओगे तो द्वैताद्वैत भी सब सेफ है, द्वैत भी सेफ है, अद्वैत भी सेफ है। तीनों वेदांत से लेके वेद तक जब तुम जाते हो तो ऑल आर ऑन द कंसेप्ट ऑफ देयर प्रेजेंटेशन, सो देयर इज नो खंडनम एंड मंडनम। मंडन हो सकता है, खंडन नहीं हो सकता, क्योंकि जहां तुम खंडन किए वहीं समय तुम बुड़बक बन गए। तो ये लोग को क्या बोलेंगे, अल्पविद्या भयंकरी नहीं बोलेंगे, जो लोग किसी भी कॉन्सेप्ट को खंडन कर, गाय खराब तुम देखा है घुस के, कृष्ण भगवान दारू पी के आके गाय का सेवा किया। एक बात बताओ, तुमको दिल्ली जाना है और तुम्हारा पहला काम पकड़ लो पार्लियामेंट में है, ठीक है, तो तुम जाके कन्नाड प्लेस में जाके मार्केटिंग करोगे क्या, नहीं, कहां जाओगे, पार्लियामेंट में जाओगे, क्योंकि वो तुम्हारा फास्ट काम है। तो कृष्ण जैसे एनर्जी समझो, भगवान समझो, आदमी समझो, धरती में जन्म हुआ, जन्म होते ही पहले बचपन पे पहला काम क्या किया, पहला काम फास्ट जॉब, फास्ट मैनेजमेंट में ही बताते हैं पहला काम, पहले हम सब कर लेते हैं लेकिन पहला काम छोड़ देते हैं, माइंड डाइवर्ट कर देता है। तो कृष्ण जैसे भगवान, चलो भगवान नहीं हटाओ, एक मिनट के लिए भगवान हटाओ, तुम लोग नहीं मानते हो भगवान, भगवान मानता हूं मैं, मानता हूं, अंदर तुम्हारा बात नहीं कह रहा हूं, यूनिवर्सली बात कर रहा हूं। जो लोग हमारे हिंदू सनातन धर्म इत्यादि को नहीं मानते या हमारे विरुद्ध में वीडियो बना रहे हैं कस के, बेसिकली कह रहा हूं ठीक है, लेट कृष्ण इज नॉट गॉड,
एक्स पकड़ते हैं ना मैथमेटिक में, ऐसे ही कृष्ण को एक्स पकड़ो, इज नॉट गॉड, प्रूव करेंगे ना अभी इंसानी आके पहला काम क्या किया धरती में, जन्म लिया, जन्म लेने के बाद जन्म लेके क्या किया, पहला काम क्या था, फर्स्ट वर्क इज व्हाट, फर्स्ट पार्क फर्स्ट वर्क वाज व्हाट, कौन सा मारने गया, नहीं जरासंध मारने गया, महाभारत करने गया, राधा के साथ फ्लोटिंग कर रहा था, क्या किया, डेटिंग कर रहा था, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स किया, 1600 गोपनारी के चक्कर में पड़ा, फर्स्ट काम क्या हुआ, शिशु था, गोरु ब्राह्मणे रक्षण तो मोजात, गोरु गाय पहला काम गाय का करता है, पगलाया था। और आज आप गधे लोग तो दो चार इंग्लिश पढ़ के बोलोगे गाय खराब, गोमूत्र खराब, पूतना का जहर पिला दिए थे कृष्ण को, क्या क्या काम कर रहा था, एक बात बताओ, इतना सारा भयंकर जहर क्या तेरा बाप गया था इंजेक्शन लेके कृष्ण को मारने के लिए, इंजेक्शन मारेंगे और जहर निकाल देंगे इसके बॉडी से, कहां से निकाला भाई, पढ़ो भागवत जी को, श्रीमद भागवत जी को, क्या किया कृष्ण को, गोबर का प्रलेप दे दिया, गोमूत्र का पान करा दिया, लिखा है बढ़िया से पढ़ो, अच्छा। पता नहीं तुम लोगों का श्रीमद भागवत में लिखा होगा नहीं होगा, हमारे उड़िया में देख लो आके, हमारा जो टेक्स्ट बेस है उसमें लिखा गया, कृष्ण को उसमें नहलाते हैं धुलाते हैं तभी जहर निकलता है, सांप काटता है तो लोगों को मट्टी में गाड़ते हैं, सांप काटता है तो लोगों को गोबर में लगाते हैं, सांप काटता है तो लोगों को गोमूत्र में चलाते हैं, सांप काटता है तो ग्रामीण क्षेत्र में जब तुम्हारे उल्लू एलोपैथी का डाकू डॉक्टर लोग नहीं गया था, देसी घी भी खिलाते थे, देसी घी भी खिलाते थे, आज गाय खराब हो गया, वाह पंडित वाह, ला रे तेरा चरण दूर थोड़ा दे माथे में लगाते हैं, तू भगवान तू महापंडित, कृष्ण खराब, गोमाता खराब, गोमूत्र खराब, देसी गाय का दूध जर्सी गाय का दूध में कोई भिन्नता नहीं है, धन्यवाद प्रभु, लाओ चरण का धुंडू लगाएगा पंडित दिल्ली, गाली निकलता है मुंह से जो का करें, नहीं तो बताते एकदम मदर फादर लेके चूतिया कहीं का, मेरा एक ठो दादाजी थे यहाँ, मतलब डिस्टेंस था, उसको भेटू भेटू दादू बुलाते थे, अच्छा। भेटू काय बुलाते थे ना, गाय का डॉक्टर था, है आज भी जिंदा है, अच्छा। उसका मेरा आज से नहीं 41 साल से झगड़ा है, प्यार का झगड़ा है दोनों का, हम लोगों का बड़ा प्यारा झगड़ा होता है, मेरा गौशाला चलता है, वो भेटू है, भेटू मतलब भेटनरी डॉक्टर, वो जर्सी, अच्छा वो खुद अपने घर में जर्सी पाल के रखा है 12-14 जर्सी, आज से नहीं बचपन से देख रहा हूँ, दूध बेचता है, जात का पंडित है और गौड़ का काम करता है, मतलब यादव का काम करता है, इधर हम लोग का यादव माने हम लोग गौड़ समझते हैं, गाय का काम करने वाले, तो कृष्ण भगवान भी यादव, तो बोलते हैं ब्राह्मण हो गए तू गौड का काम करता है बोल के तो उसके साथ झगड़े चलते हैं। आज से 6-7 साल तक उसका मेरा हमेशा झगड़ा चलता है, लेकिन प्यार से, कोई ऐसा नहीं है दादाजी, अच्छा उसको नहीं पकड़ के मेरा गौशाला थोड़ी चलेगा, मैं गौशाला चलाता हूँ तो ऐसे थोड़ी चल जाएगा, क्योंकि दवाई ववाई जो भी है डॉक्टर वॉक्टर इमरजेंसी में बात तो करना पड़ता है, लेकिन विगत 2020 तक मेरे साथ उसका एक बात में रहा, एक ही बात रहा, तो मेरे को नाती बुलाता है, नातिया माने समझते हो, तो बोला कि एक बात बताओ, तो वो दादू मेरा क्या बोलता था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जर्सी होल्स्टीन फ्रीजियन काउ यूरिन एंड योर देसी काउ यूरिन, ऐसे ही आज लाल बाबा के अंडर में गाय का जो कटल फीड बेचने वाला एक ठो बहुत बड़ा बनिया है, मेरा भगत है, हम उसका निंदा नहीं करते हैं, बनिया है, दान दक्षिणा बहुत करता है, काहे निंदा करें, लेकिन बहुत टॉप लेवल का इंटरनेशनल लेवल पे गाय का कटल फीड सप्लाई करता है, वही व्यक्ति जो मुझे दिखाया कि देखो गाय को कैसे गाय का मांस खिलाया जाता है तब इतना दूध देते हैं, वो व्यक्ति खुद सीक्रेट बताया, वो सब डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हैं, लाल बाबा का बदनाम होगा, का जरूरत बाबा के पीछे पड़े हम, हमारा खुजली थोड़ी हो, लाल बाबा अपना लाला आदमी है, धंधा कर रहा है, हम काहे बोले उसके विरुद्ध में, तो जो उसको सप्लाई करता है लाल बाबा को बड़ा बड़ा कटल फीड मुर्गी फीड, वो पूरा ऑल ओवर इंडिया का सबसे बड़ा कम, जितने सारे बड़े बड़े कटल मशीन है तुम्हें नहीं पता होगा, एक बड़ा षडयंत्र चला और इसके लिए पूरा देश का, हमारे भारतीय कटल फीड फैक्ट्री का, गाय का दाना कुकर मुर्गी का दाना का फैक्ट्री बंद हो रहा था, फिर उसमें लाल बाबा को बीच में घुसाड़ा गया और सारा नौटंकी चला और ये उसका सबसे बड़ा लीडर रहा,
और फिर उसमें वो सब डाले गए, तब जाके गाय ज़्यादा दूध देने लगे। लेकिन ये जर्सी होल्स्टीन फ्रीजियन के लिए, नॉट फॉर देसी गाय। चलो वो सब अलग विषय है, उधर जाएंगे ना तो 2 घंटा और चला जाएगा। उसके साथ ना का क्या भेजता था, वो बेचारा आधुनिक बनिया है, इंग्लिश वाला बनिया, हमेशा मेरे को बोलता था हमारा जर्सी गाय का दूध पीला पीला, ओ देखो कड़िया मक्खन, ये बढ़िया सर, इतना बढ़िया, एकदम मलाई मार के एकदम बढ़िया। कुछ नहीं बोल पाते थे, चुप रहते थे दोनों, एक मेरा दादू और एक ये, चुप रहे। 2017 या 20 को WHO से या कहीं से एक ठो रिपोर्ट आया मेरे पास, मैं क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे गाय का काम करता हूँ, A1 A2 मिल्क का पहला एस्पेक्ट निकला बाहर, लेके ना पहला पन्ना जेरोक्स करके ना दोनों का मुंह में ऐसे मारा, लो आज तक नहीं बोल पा रहे थे। नहीं, देसी गाय जर्सी गाय का जो है वो पीएच में अंतर रहता है। हाँ, वो निकला तो अच्छा। उसके बाद एक पेपर निकला जिसमें यूरिया फॉस्फेट ग्रोमर नाइट्रेट टी20 ड्यूटी गैमेक्सिन थीमेट इत्यादि जहर से भी ज्यादा खतरनाक है कैंसर का कारक होल्स्टीन फ्रीजियन जर्सी गाय का दूध। गाय का दूध डायबिटीज का सबसे बड़ा कारण। मैं नहीं सुना, मेरे पास साइंटिफिक प्रूफ नहीं था, लेकिन उसका भी पेपर निकल के आ गया। तो मेरा दादू का मुंह में लेके धड़म, और वो अंग्रेज मतलब वो बनिया का मुंह में लेके धड़म, बोला लो। उस दिन से मेरे सामने और कभी नहीं आए, क्योंकि उनको एविडेंस चाहिए था, और वही लोग जो लोग देसी गाय का बदनाम कर रहे थे वही लोग निकाल के दे दिए पेपर, वही WHO, और वहाँ से आया। मैं आज भी रखा हूँ वो कॉपी, वो मेल का, ये आज भी मैं रखा हूँ, क्योंकि मैं आज से नहीं, मैं इतना 90 से मेंबर हूँ उसका, तो हमारे पास सारे अपडेट आते रहते हैं। लेके दौड़ाया, फिर वो चेक किया जाके, बोले ये क्या रिपोर्ट निकला, बोला हाँ यही है, समझो। और आगे इन दोनों के साथ कुछ ऐसा बीमारी का घटना घटा कि आखिरी में नाक रगड़ के गाय का मूत, ठीक है, और ये जो मुछमुंडे वाले हैं ना, मुछमुंडे वाले, बहुत से लोग मेरे को बोले देखो यार तुम लोगों के लिए तो सही नहीं है धर्म वर्म का बात, बोला मरने से जिंदा है तो ना धर्म है, मर गए तो धर्म कहाँ का है। तो बिना मूछ वाले मेरे पास बहुत आए हैं गोमूत्र पीने के लिए, आते हैं अभी भी। तो ये लोग को क्या कहें, इन गधों को क्या कहें, ये परिस्थिति है मेरे देश के महान महान ज्ञानी जो अपने को ज्ञानी बता रहे हैं ना, तो इनको कुछ कह नहीं सकते। यहाँ एक ही बात मैं कहूँगा कि अगर इस विश्व में तुम्हारा महान पेड़ों पेड़ का डाली टहनी बढ़ा के बढ़ना है, तो अपने शक्ति के ऊर्जाओं को डीप रूटेड करो, अंदर बढ़ाओ। अंदर अगर जड़ फैलेगा तो और ज़्यादा नीचे जमीन तक जाएगा, ग्रिप्स करेगा, ग्रिप्स करेगा तो और ज़्यादा खाद पानी पेड़ को सप्लाई करेगा, पेड़ को सप्लाई करेगा तो पेड़ और मजबूत बढ़ेगा, चाहे शनि का 7.5 आ जाए, चाहे ढैया आ जाए, चाहे मादस आ जाए, पेड़ को हिला नहीं सकता, गिरा नहीं सकता। आप सुरक्षित और मजबूती से इस विश्व में चलोगे। बहुत से लोग बोलते हैं हमारे जीवन में बहुत कष्ट दुख पीड़ा है, जीवन में कभी सुख भोग नहीं पाया, जिंदगी भर दुख 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 पर कष्ट 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 पीड़ा पीड़ा पीड़ा। क्यों भाई, तुम धरती में अकेले या और भी कोई हैं? हम तो नहीं बोले, क्या मेरा 7.5 नहीं है, क्या मेरे 6 और 8 में ग्रह नहीं बैठे हैं? यार मेरा तो 6-8 में तो 9 ग्रहों में से इधर 2 उधर 3 5 उधर ही बैठ गए। कभी बोला हूं दुखी हूं, कष्ट हो गया, मेरा फुट गया, कभी बोला? इफ यू नो हाउ टू बैलेंस योर एनर्जी एंड इफ यू नो हाउ टू इंक्रीज योर स्पिरिचुअल एनर्जी, फिर ग्रह क्या? ग्रह है, समझ जाओ बैलेंस कैसे करना है। तुम्हारा चक्का टाल है, बोल दो माइलेज नहीं देता, तुम्हारा गाड़ी का वो चक्का चाट रहा है, उधर वो टायरॉइड बैलेंस डिसबैलेंस है, बोलते हो हर 3 महीना में एक नया टायर लगाना पड़ता, पेट्रोल ज्यादा खाता है, बैलेंस कराना भाई। एक गाड़ी 5-10-20-25 लाख का 6 महीना 3 महीना में पहुंचा देते हो सर्विसिंग सेंटर, लाखों रुपया खर्चा करके सर्विसिंग कराते हो,
भगवान ये गाड़ी दिया है, कितना बार सर्विसिंग कराता है रे, कितना बार सर्विसिंग कराया, क्लीनिंग, ग्रीसनिंग, टाइटनिंग कितना बार कराया? मैकेनिकल मेंटेनेंस का तीन सूत्र है, क्लीनिंग, ग्रीसिंग एंड टाइटनिंग। क्लीनिंग सफाई, क्या क्या सफाई किया, पेट खराब है, दिमाग खराब है, पाकिस्तान खराब तो हिंदुस्तान अपने आप खराब हो जाएगा यार, पाकिस्तान को ठीक करना पड़ेगा। अरे पाकिस्तान है ना, ये जेहाद काहे कर रहा है, देखो काहे उग्रवादी बना रहा है, ये पाकिस्तान है यार। तो क्या है कर्तव्य कर्म, अपने को क्लीनिंग करो, ग्रेसिंग करो। कितना घी खाता है रे, कितना घी खाता है, घी देखा नहीं है, खाएगा कहां से, ये बिन घी खाया लोग, बिन घी खाया मत समझते हो। हमारे यहाँ एक सेठानी थी, बुढ़िया है आज भी, वो ऐसा 1 किलो का घी ले ना ऐसा पी जाए, तुम पियो तो नीचे से निकल जाएगा घी। आज तक हट्टा कट्टा नौजवान सेठानी, आज तक 98-99 होगा बुढ़िया का, उधर से वो आपके उधर से नॉर्थ साइड की है, अब सेठानी इधर कहाँ मिले, बुढ़िया जिंदगी में बोले तो टनों की खा गई होगी, खुद गाय धोती है और खाती, ग्रेसिंग है उसका बॉडी, अभी तो 2 बच्चा जन्म दिया कि नहीं, हम दो हमारे 2 बांग्लादेशियों को आने दो, वो सब जॉइंट किड़काड़ करने लग गया, साउंड देने रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है, चक्का में टाल हो गया, साउंड आ रहा है, ग्रीसिंग है नहीं, बोलता है गाय खराब। 2 बच्चा नहीं दिया, वो बुढ़िया को जाके देख लो, यहीं पर है सेठानी, समझ रहे हैं, 12 बच्चा तो ऐसे ही घूम रहे हैं उसका आज तक, तुम्हारा 2 बच्चा में तुम्हारा मिशन फेलियर हो रहा है, कहाँ से, घी का कमाल है। और तुम आज घी के नाम पे चर्बी खाओगे, घी के नाम पे रिफाइन खाओगे, घी के नाम पे जर्सी गाय का दूध, लाल बाबा का तेल पियोगे, जर्सी गाय होल्स्टाइन दूध का पियोगे, वो सफ़ेद बाबा का दूध पियोगे, दही के 500 रुपये का घी खाओगे, फिर बोलोगे टीजी बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, और डॉक्टर लोग समझाएंगे घी खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। हमारे सेठानी को दे दो ना 5-6 किलो ओरिजिनल घी दे दो, देखते हैं कितना कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हो। बुढ़िया आज भी है, बुढ़िया आज भी है, बिन डंडा चल रही है, कोई जॉइंट वॉइंट प्रॉब्लम नहीं है उसका, आज तक कोई देखा नहीं उसको कभी किसी डॉक्टर के पास, इतने सारे नर्सिंग होम हैं, किसी नर्सिंग होम पे नहीं जाती है, कोई देखा नहीं किसी डॉक्टर के पास जाते हुए, कोई नहीं देखा आज तक, हम लोग बचपन पे नहीं देखे उसको। लेकिन हाँ, गाय का सेवा जिंदगी भर, आज भी जाओ उसके घर में 4 गाय बंदी होगी, देसी गाय, हाँ, उसका बेटा बेटी लोग उधर बिल्डिंग चेंज किया, उसको भी बुलाया, बोला चलो उधर घोंसले में रहोगे, बड़ा बड़ा घोंसले लिए हैं 80 लाख 90 लाख 1 करोड़ का, तो फिर जो गाली देखो मत उसको, मारो यही ठीक सा है, तू क्या कह रिया है, तू गधा शुरू हो गया एकदम, ठीक है। नाती पुती आते हैं दूध पिलाते, तो उनका बहू लोग बोलते नो नो दिस इज नॉट, भाई क्या क्या सब बोलते हैं इंग्लिश में, ये हाइजीनिक नहीं है, हम लोग का डब्बा का दूध, मर्द टांगे वाला का दूध वही ठीक है, केमिकल वाला वो दूध एकदम पाश्चराइज मिल अच्छे कर, हाँ, और ये बुढ़िया एकदम त्राणे को नहीं जाना है, ऐसा बोलती है बुढ़िया, मेरे को उतना नहीं आता है, मारवाड़ी, हाँ, तू कौन ही जाना है, मारो को थारे देख के रिया है, ऐसे बाल्टी उठाए बुढ़िया दूध धक धक करके पिए, बोला बिना गाय का तो मैं कौन ही जीना हूँ, थारे जाओ उधर रहो। तो सारे उनके सामने बच्चे भी नहीं दौड़ सकते बुढ़िया के सामने, बुढ़िया जो दौड़ती दौड़ लगाती है, आज भी तो लोग है, हाँ है ना, ये तो सामने जाके देख ले, है पंजाब हरियाणा में भी है, हाँ, तो किसका कमाल है, 70-70-80-80 साल किसान आंदोलन में जो थे 150 साल तक, हाँ, कोरोना समय में, हाँ, बिना डरे, बिना मास्क लगाए, बिना सोशल डिस्टेंसिंग पालन करते हुए, हाँ, डटे रहे 1.5 साल तक, हाँ, अधिकतर सब 70 ईयर अप सब, तो इसी का कमाल है ना, उसी का कमाल है, देसी गाय का घी दूध, इतना ही है कि अपने को अध्यात्म लेवल पे मजबूत करो, तो टोटल कंसेप्ट इतना ही है और कुछ नहीं, अंदर जड़ बढ़ा तुम ऑटोमेटिक ऊपर में बढ़ जाओ। और कोई क्वेश्चन है सर? नहीं। ओवर, चलो।